नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो क्या आप हरी सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं? कुछ चटपटा खाने का मन है तो इस बेसन की सब्जी को ट्राई करते हैं। चलिए बनाते हैं बेसन की स्वादिष्ट चटपटा लाजवाब सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेसन की सब्जी को। एक कटोरी लेंगे, उसमें बेसन 2 कप, इसे अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देके 1 कप डाल दी हूँ। इस तरीके से मिलाएं, ये देखिए हो गया। 2 कप पानी में, 1.5 कप से ज़्यादा पानी लगा इसमें। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे 1.5 चम्मच, कूटा हुआ हरी मिर्च, कूटा हुआ लहसुन 1 कली, 1 टीस्पून अजवाइन, हाथों से क्रश कर लेंगे इसे, थोड़ी सी धनिया पत्ती। 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हो गया। देखिए ये हमारा घोल तैयार। जब तक हमारा घोल 10 मिनट के लिए रेस्ट हो रहा है, तब तक हम मीडियम सेम के प्याज बारीक काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, 5 हरी मिर्च ली हूँ और 2 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और इन सबको बारीक काट लूँगी। 10 मिनट हो गया, अब हम चिल्ला बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। गैस पर लोहे का तवा में बैठा दी हूँ, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं और इसमें ऐसे तेल ग्रीस कर दे इस तरीके से, थोड़ा गर्म हो जाने दे। देखिए धुआं दे रहा है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। देखिए हम बेटर हमारा ठीक हो चुका था, थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाला है और नमक ऐड कर दिया। अब हम इसे एक कलछी देखिए इसके ऊपर डालेंगे, इस तरीके से ऐसे फैला देंगे, इस तरीके से फैला ले आप। अब इसे होने दे, एक मीडियम फ्लेम में है, देखिए सीख गया एक तरफ से। अब हम इसे ऐसे मोड़ देंगे, इसे फ्लेम को लो कर दे एकदम, इस तरीके से कर दें। इसके ऊपर थोड़ा हम तेल लगा देंगे, ऐसे तेल लगा देंगे और 2-3 से 4 मिनट तक हम इसे सेकेंगे अभी लो फ्लेम पे। हो गया 3 मिनट हमारा सीख गया। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, ऐसे ही फिर दूसरा चीला डालेंगे। देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से। तो चलिए ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। घोल थोड़ा पतला ही रखें, देखिए इसमें घोल थोड़ा पतला किए हैं तो इस तरीके से ना? अब कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता, फ्लेम मीडियम रखेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 लौंग, 2 कूटा हुआ इलायची, मिर्ची बारीक कटा हुआ, 2 बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 3 मिर्ची कट करके डाली हूँ, बाकी 3 मैं
पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट में यूज की हूँ। इसे चला ले। देखिए हल्का सुनहरा हमारा प्याज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया। अब हम फ्लेम लो करेंगे और इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च बड़ा चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, मीडियम को थोड़ा सा हम अब बढ़ा देंगे, मीडियम पर कर देंगे, लो को मीडियम फ्लेम पर। टमाटर फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और 2 छोटा चम्मच दही डालें या 1 बड़ा चम्मच, आप दही स्किप भी कर सकते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिलाएं, पकाएं। मिलाते हुए इसे पकाएंगे। दही हमारा अच्छे से मिल गया। अब हम फ्लेम को थोड़ा अब हम मीडियम कर देंगे। देखिए जिसके कटोरी में हम चिल्ला बनाए तो उसमें बेसन लगा था, उस बेसन को मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें पूरा तेल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम इसमें 1 गिलास। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चिल्ला का पीसेस ऐड कर देंगे। कर ऐसे कट कर ले इस तरीके से। देखिए देख सकते हैं मोटा पतला जितना चौड़ा चाहे आप। देखिए हमारा उबल रहा है, ग्रेवी हो चुका है। अब हम इन सारे पीसेस को इसमें हम डाल देंगे। देखिए और 2 मिनट इसे और हम पका लेंगे, उसके बाद हमारा ये बन के तैयार बेसन की सब्जी। तो चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दें। तो ये हमारा सब्जी बन के तैयार। इसमें हरा धनिया डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें। तो ये तो सर्व करने के लिए हम सर्विंग बाउल एक प्लेट ले लेंगे। तो जैसे जैसे ही इसकी सब्जी ठंडी होगी इसकी ग्रेवी उतना ही मोटा होते जाएगा। आप पीसेस देख सकते हैं तरीके से। तो जब कोई हरी सब्जी ना हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस सब्जी को बनाएं। और चावल और रोटी दोनों के साथ ये बहुत ही फिट बैठता है, अच्छा लगता है। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।